आदाब नाजरीन, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये लफ्ज आजकल खूब सुर्खियों में है। इंस्टाग्राम पर रील स्वाइप करते हुए भी शायद आपने AI से रिलेटेड काफ़ी वीडियो देखी होंगी। हो सकता है उनमें आपने AI की मदद से बनी फोटो वीडियोस भी देखी होंगी। हाल ही में रश्मिका मंदाना की एक डीप फेक वायरल वीडियो काफ़ी चर्चा में रही। इस वीडियो को बनाने में भी AI टूल का इस्तेमाल माना जा रहा है। कभी आपने सोचा है कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप कोई वीडियो बड़े ध्यान से देख रहे हैं, फिर उसके बाद वैसे ही वीडियोस आपकी फीड में लगातार कैसे दिखते रहते हैं? या फिर फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, भले ही वो किसी भी चीज़ आपने खरीदी है या नहीं खरीदी, फिर भी कैसे आपको अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी गेम में बार बार उसके ऐड दिखने लगते हैं? ये सब AI की वजह से होता है। दरअसल सोशल मीडिया कंपनी AI का इस्तेमाल कर यूज़र के इंटरेस्ट के पैटर्न समझती है और उनका डेटा जमा करती है। इसी डेटा का इस्तेमाल कर वो यूज़र को इस तरह के ऐड या फीड दिखाती रहती हैं। इन दिनों ChatGPT AI टूल भी काफ़ी चर्चा में है। ChatGPT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप कोई सवाल पूछते हैं तो उसका रिटर्न जवाब मिलता है। अगर आपको किसी सब्जेक्ट पर 400 लफ्जों का आर्टिकल लिखना हो तो ChatGPT आपको तुरंत लिखकर दे देगा। हम आपको बता दें, काफ़ी तादाद में बच्चे भी इस टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं अपना होमवर्क करने के लिए, अपने इस तरह के काम करने के लिए। हालांकि कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ये गूगल का रिप्लेसमेंट है। ChatGPT में कई खामियां भी हैं और आप इस पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हमारी डेली लाइफ में बहुत कॉमन होता जा रहा है और इसको नज़रअंदाज करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए ये समझना भी ज़रूरी है कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और ये काम कैसे करता है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। शायद हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने ये लफ्ज़ पहली बार सुना हो, जिसका मतलब है बनावटी तरीके से ईजाद किया गया इंसानी दिमाग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक एडवांस ब्रांच है। इसमें एक मशीन को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए इतना बुद्धिमान बनाने की कोशिश की जाती है जिससे वो इंसानों की तरह सोच समझ सके और फैसले ले सके। दूसरे शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक तैयार किया जाता है जिसे उसी आधार पर चलाने की कोशिश होती है जिस आधार पर इंसान का दिमाग काम करता है। हमें उम्मीद है कि इस खबर से कुछ हद तक आपको AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को समझने में मदद मिली होगी। इस खबर पर आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मुंसिफ TV से।